सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। Rishto.com ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी, मोर देन 26,000 ट्रस्टेड फैमिली, काउंसलिंग विद अटमोस्ट ऑनेस्टी, फ्री रजिस्ट्रेशन, नॉमिनल मेंबरशिप फीस, नो कमीशन आफ्टर मैरिज, फ्री रिश्तो मीट विद रिफ्रेशमेंट्स। Rishto.com ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वर्षों से उल्लासनगर महानगर पालिका के हर विभाग में भारी अनियमितताएं हैं, या यूं कहें लूट खसोट होती रहती है। जहां ऐसा दिखाई देता है कि मनपा अधिकारी पगार तो जनता के टैक्स के पैसों से लेते हैं, पर काम वे ठेकेदार के कहे अनुसार करते दिखाई देते हैं, जिस वजह से शहर के विकास कामों पर खर्च किए जाने वाले करोड़ों रुपए के बावजूद भी उल्लासनगर शहर पूरी तरह से बदहाल हो चुका है। अब ताजे मामले में पानी की पाइपलाइन का रिपेयरिंग का ठेके को लेकर है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मनोज लासी ने इस टेंडर को लेकर पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि मनपा की महासभा में यह प्रस्ताव लाया गया था, तब पानी की पाइपलाइन दुरुस्ती के लिए 10 करोड़ रुपये का टेंडर था, जिसे महासभा ने रद्द किया था। अब प्रशासकीय राज है और अब उसी पानी की पाइपलाइन दुरुस्ती के टेंडर जो 10 करोड़ का था, जिसे महासभा ने रद्द किया था, अब उसे 25 करोड़ रुपए में देने की तैयारी की जा रही है, जो अधिकारियों की मिलीभगत से किसी बड़े ठेकेदार को फायदा पहुंचाना है। आइए जानते हैं इस पूरे मामले पर मनोज लासी क्या बता रही है। देखिए, जब से प्रशासकीय राज लागू हुआ है यहाँ पर 4 अप्रैल से, तब से इस तरह के जो जनप्रतिनिधियों का समय था, लोगों की दिक्कतें थी, हम तक आती थी, हम अधिकारियों तक पहुंचाते थे, पर जब से प्रशासकीय राज लगा है आयुक्त किससे मिलते नहीं, डीएमसी किसको मुंह देके बात नहीं करते, यहाँ तक कि आम पब्लिक की तो बात छोड़ो, हम जो एक्स जनप्रतिनिधि हैं, नगर सेवक हैं या बाकी पदाधिकारी हैं, उनको तक फोन पे नहीं मिलते हैं। कभी कोई इलेक्शन डिपार्टमेंट में है, कभी कोकण भवन में, कभी मंत्रालय में, कभी नई सरकार बनाने में, कोई गुवाहाटी में है, कोई सूरत में है, कोई किधर है। तो ये अधिकारियों की उल्लासनगर की हालत है। और अब तो ये लार्गेदारी तो हो ही रही है, पर अब घोटाले भी हो रहे हैं। मैंने एक और घोटाला उजागर करने की यहाँ पर प्रयत्न किया है। वाटर सप्लाई का एक टेंडर 4 अप्रैल से पहले लोड हुआ था, जिसमें पूरा उल्लासनगर 1 से 5 तक के सभी जो भी छोटे मोटे वाटर सप्लाई के काम होते हैं, लीकेजेस के, मोटर के, पंप के, छोटे मोटे लाइन्स के, उनका 10 करोड़ का टेंडर 5 साल के लिए निकला था, जिसे सभी पक्षों ने विरोध किया, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया, फिर रद्द करवाया। अब जैसे ही हमारा कार्यकाल समाप्त हुआ तो उसको 10 को 15 ऐड करके 25 करोड़ कर दिया है, और उसमें आने वाली जितनी भी शर्तें, अटी शर्तें किसी एक व्यक्ति विशेष कॉन्ट्रैक्टर को फायदा देने के लिए दी गई है, उसमें टेंडर में ऐसा डाला गया है कि वाटर सप्लाई का टेंडर है पर आपको डांबर का प्लांट और आरएमसी का प्लांट दिखाना हो चाहिए, आपके पास होगा तो आपको ये 25 करोड़ का टेंडर मिलेगा। वाटर सप्लाई के टेंडर में आपको जेसीबी, डंपर और पोकलेन मशीन अपनी होनी चाहिए, तभी आपको टेंडर मिलेगा। वाटर सप्लाई का टेंडर है पर एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए रोड बनाने का, चाहे वो सीमेंट का हो या डांबर का हो, तभी आपको मिलेगा। तो ये जो मैंने आरोप लगाए थे वो टेंडर में जो भी नोटिफिकेशन है उसमें सामने दिख रहे हैं, ये किसी एक कॉन्ट्रैक्टर को पूरी तरह से सरोकार देने के लिए ये टेंडर सिर्फ उसका ही खुले, और जो छोटे मोटे 100 के करीब छोटे मोटे वाटर सप्लाई के ठेकेदार है जो पिछले 25 सालों से उल्लासनगर महानगर पालिका के वाटर सप्लाई में अपनी सेवाएं देते, उन सबको दरकिनार करके उनकी रोजी रोटी पे पेट पे लात मारकर ये एक बड़े कॉन्ट्रैक्टर को फायदा देने के लिए बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। 10 का 15 बढ़ाकर 25 करोड़ कर दिया गया, जिसके लिए हमने आवाज उठाई है। जो ये छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर है उनसे आपकी कुछ बातचीत हुई है क्या, कुछ आंदोलन वगैरह करने की कुछ इशारा देंगे क्या? ये छोटे ठेकेदारों की तरफ से जानकारी है, ये आ रही है किस तरह से अनियमितताएं हो रही है, किस तरह से पूरी तरह से इसको ताक पर रखकर ये टेंडर किसी बड़ी मछली को देने की तैयारी चल रही है वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट द्वारा, और विशेष मैं कहूंगा डीएमसी जो भी है वाटर सप्लाई के या जो भी एडिशनल है उनकी तरफ मिली भगत से ये पूरा टेंडर बड़े ठेकेदार को देने की तैयारी है। और ये सब छोटे ठेकेदार आने वाले समय में, आज प्री बिडिंग की मीटिंग थी, उन्होंने शोरगुल किया है। नए आयुक्त हमारे जी आए हैं, उनसे सबको आस है कि वो मिलेंगे, न्याय करेंगे, क्योंकि पुराना आयुक्त तो किससे मिलता ही नहीं था, तो नए आयुक्त से मिलेंगे, उसके बावजूद भी वो आगे चल के बड़ी हड़ताल या आंदोलन या धरना महापालिका में देने वाले, वो तो रही उनकी बात, पर पूर्व जनप्रतिनिधि होने के नाते इस शहर के
एक नागरिक होने के नाते और एक राज्य के पक्ष के नेता होने के नाते हमारा फर्ज है इस तरह की जो अनियमितताएँ हो रही है उसको रोका जाए और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपने जिला अध्यक्ष पंचम कालानी के साथ जल्दी नए आयुक्त जो प्रशासक है अजीत सिंह जी से मिलेगी और इसके बाद के आगे की पूरी कार्रवाई करेगी। जो बड़े ठेकेदार हैं जिनको फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है उनका नाम क्या है? देखिए नाम अभी ऐसा नहीं है कि मुझे नाम मालूम है, पर जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट में वो जो वाटर सप्लाई के छोटे मोटे रिपेयर है, मतलब आपको लीकेज बनानी है, आपको दुरुस्ती करनी है, छोटा पाइपलाइन चेंज करना है, उसके लिए आपको पोकलन होना, उसके लिए आपको बिटुमेन डाम्बर का प्लांट होना, RMC का सीमेंट कॉन्क्रीट का प्लांट होना और आपने बड़ी बड़ी सड़कें बनाई हो पहले, वो आपका एक्सपीरियंस होना, तो समझ जाइए शहर में गिने चुने ही कुछ बड़े ठेकेदार हैं जो सब बड़े बड़े ठेके लेते हैं। आपका सीधा सीधा किसके ऊपर निशाना है? प्रशासनिक अधिकारी या फिर ठेकेदार, किसके ऊपर आपका निशाना है? ये पूरी मिलीजुली एक पूरी घोटेलेबाजी है जिसमें बड़े ठेकेदार ने नीचे के अधिकारियों को सेट करके ये कंडीशन जो हमारे टेंडर कंडीशंस होती है, जो टेंडर हमारा लोड होता है उसमें पूरी तरह से हमारी कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी में हमारे एडिशनल भी है, DMC भी है, उसमें हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट के भी अधिकारी है, हमारे वाटर सप्लाई PWD के सभी अधिकारी है, तो मिलजुल के उन लोगों ने ये टेंडर डिज़ाइन किया है कि प्रशासकीय राज में जनप्रतिनिधि तो सब आते नहीं है, कॉरपोरेशन में उनका ध्यान है नहीं, ऊपर से अपने चुनाव कब होगा कब न होगा उसमें उलझे हुए हैं, तो उस उलझन में आपदा में अवसर अधिकारियों ने और कॉन्ट्रैक्टर ने ढूंढ लिया है और ये बड़ा घोटाला करने की तैयारी है। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।